दस बली गिड़ कर तक मैं दस बली सो हे एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? होप सारे अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज आ गए एक छोटी सी राइड करने और कुछ टॉपिक्स पे बात करने, जो कि आप थंबनेल देख के समझ ही जाएंगे कि कौन सी टॉपिक पे बात होने वाली है। सो आज डायरेक्ट बाइक पे। आप लोग यही सोच रहे होंगे कि इंट्रो नहीं बोला, सो इसलिए नहीं बोला क्योंकि भाई टाइम वेस्ट होता है उसके अंदर, और डायरेक्ट बाइक पर ही आ गए। तो करते हैं छोटी सी राइड और फिर राइड के बीच में ही करेंगे थोड़ी बात। तो भाई बात कुछ ऐसी थी कि आप लोग R15 VV3 के बारे में तो जानते ही होंगे, सुना ही होगा। भाई 155 सीसी के सेगमेंट में भाई सबसे तगड़ी बाइक है R15 V3, और 160 वाट को भी एकदम टक्कर दे देती है, और 200 को भी कभी कभी टक्कर दे देती है R15 V3। वो मेंटेनेंस पे कि आपको मेंटेनेंस कैसे है, बट अगर एक बात की जाए NS200 की, जो इनिशियल और ऐसे दोनों में ही मतलब NS200 उसे खींच देती है। मैंने तो अभी तक यही रियलाइज़ किया है कि दोनों में ही खींची जाती है, और आगे का कुछ पता नहीं, लेकिन अभी तक जब भी रेसिंग हुई है तो R15 V3 हर वक्त NS200 से पीछे ही रही है। और उनकी प्राइसिंग भी बहुत ज़्यादा चार्ज होती है, 230-240 तक, जो कि 155 सीसी के बाइक के लिए वर्थ है, बट एक हिसाब से नहीं भी है। सो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं भाई, और कोई कमेंट में आके हेट मत देने लगना कि भाई R15 V3 के लिए बोल रहा है। सो R15 V3 बहुत बॉम बाइक है मैं बता दूँ, लेकिन फिर भी भाई अगर 200 सीसी के बाद करोगे तो टॉर्क और न्यूटन मीटर दोनों ही चेंजेस आ जाते हैं। इसलिए भाई कमेंट में कोई लोग हेट मत डालना। आई लव R15 ब्रो। भाई रस एकदम बहुत ज़्यादा इधर। होप आप लोगों को अच्छे से आवाज़ आ रही हो, और अब ब्लॉग कंटिन्यू करने की पूरी कोशिश करता हूँ क्योंकि भाई स्कूल भी होता है, सो ब्लॉग कंटिन्यू नहीं हो पाता, और इसी रीज़न से ब्लॉग भाई टाइम टू टाइम नहीं आ रहा। बट फिर भी भाई कोशिश तो करेंगे अब कि ब्लॉग आप कंटिन्यू हो। सो सारनाथ साइड में बहुत ज़्यादा रश है क्योंकि सावन का टाइम चल रहा है, तो रस तो मिलेगा ना भाई। ओ हो, सो अब चलेंगे थोड़ा हाईवे पे, और भाई साहब इतना रस होगा नहीं मालूम था, मैं आता ही नहीं यार। अब थोड़ा चलेंगे हाईवे पे, देन थोड़ी सी एक छोटी सी राइड। चलिए मिलते हैं सर एक हाईवे पे। तो आ गए हाईवे पे भाई। वेदर बहुत तगड़ा है और विंड सील खुली हुई है, मेरी वाइजर खुला हुआ है। सो आवाज़ आपको कैसी आ रही है आई डोंट नो, बट खींचते हैं थोड़ा सा।
भाई एनएस के अंदर मतलब इतने सेंसिटिव मतलब टायर्स आ गए कि क्या ही बताओ भाई, मतलब स्टॉक टायर्स इतने सेंसिटिव हो सकता है नहीं पता भाई, आप लोग कमेंट करके बताना जिसके पास है कि ऐसा ही है कि नहीं। मैं थोड़ा सा मतलब प्रेशर कम किया था मैंने स्टॉपी के लिए, देन पूरी बाइक आगे से मतलब वाइब्रेट कर रही थी, और अभी मैंने उसको जस्ट ठीक करा के आया हूँ और अब थोड़ी रिलैक्सिंग है। भाई साहब सच्ची में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है भाई। सो जो आर1 फाइव के बारे में हम बातें कर रहे थे कंपैरिजन, तो भाई अभी तो बस जस्ट ऐसे बताया, जिस दिन आर1 फाइव V3 मेरे हाथ में होगी देन मैं आपको उसका ट्रैक रेस भी करके दिखा दूंगा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको करके दिखा दूंगा आर1 फाइव V3 के साथ NS200 PS7 की। और अब बता नहीं सकते हैं अभी ऐसे पावर का अंदाज़ा लगा नहीं सकते, लेकिन NS200 BS आई थिंक सो 4 या 3 जो कि भैया की एक है, सो उनसे जब बात हुई थी उन्होंने बोला था कि R15 V3 को तो उन्होंने बीट कर दिया था NS200 से, बिकॉज उसमें रॉ पावर बहुत ज़्यादा है, 2012 मॉडल है, रॉ पावर बहुत ज़्यादा है। सो अभी ले लिया हम लोगों ने यूटर्न और अब चलेंगे घर के लिए भाई, घर के चलेंगे। और ब्लॉग आपको जैसा भी लगे अच्छा लगे सो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना, और मिलते हैं इसी के साथ आपको न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल गाइस।